चैनल मैं हूं ईशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रतिक्रिया, जिसमें मैं देती हूं प्रतिक्रिया। सो गाइस, बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है तला अंजुम इनका, और इनका एक्चुअली एक एल्बम था, आपको तो पता ही होगा, खाना बदोश कितना हिट हुआ। आई मीन उसमें जितने भी सॉन्ग्स थे खाना बदोश में, तो सारे सॉन्ग जो थे उसका एक अलग नशा है खाना बदोश एल्बम का। और जैसे लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, पसंद किया, सो काफ़ी हिट गया। और उनकी जो जर्नी जैसे उन्होंने उसमें खाना बदोश में बताई है, सारी चीज़ें रैप के थ्रू उनकी फीलिंग्स शेयर की है, उनकी जर्नी, उनका बचपन, वो सारी चीज़ें, कराची के बारे में वगैरह सारी चीज़ें, सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखना। और खाना बदोश से ये एक्चुअली 10th सॉन्ग एक्चुअली ट्रैक जो है एक्चुअली ये, सो 10 जो गाने खाना बदोश से उन्होंने ये किए थे, लॉन्च किए थे, सो उसमें से ये एक है। और ये जो ट्रैक है एक्चुअली ऑडियो, सो इसमें सिर्फ भाई तला अंजुम की मेहनत नहीं है, इसमें उमेर खान भी है और देन हाशमी नवाज भी है। सो इनकी सब लोगों की जो मेहनत है भाई, वो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अभी रंग ला रही है, बिकॉज लोगों ने उनको इतना पसंद किया है, प्यार दिया है। और देन जोखरी का जो चैनल है, सो उसके ऊपर ये जो ऑडियो है वो अपलोडेड है, आपको अगर सुनना हो आप सुन सकते हैं। और एक्चुअली 1 डे पुराना ही है, सो 1 डे पहले ही उन लोगों ने रिलीज किया है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली राब्ता इसका जो टाइटल है, तो पहले एक सॉन्ग था आपने शायद सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ सेम ये होगी, बस राब्ता ये जो सॉन्ग है ना वो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली हिंदी में है, बॉलीवुड की एक मूवी सी थी, सो उसके गाने हैं वो, लेकिन ये गाना और वो गाना बहुत अलग है। ये रैप है, वो बहुत ऐसे साइलेंट सा और रोमांटिक सा सॉन्ग है, सो इसलिए ये एक्चुअली टाइटल देख के मुझे उस रैपते की याद आ गई। तो बढ़ते आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम गवाए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जब के
हैं वो लफ्ज़ थे अब जब लफ्ज हैं पर कहीं ईच से तेरा भाई करा भी बहुत बाकी ये लौटे हैं अब भी वहीं कहीं बने थी तू मेरी फैंटसी बट फिर यू बी माय फैंटसी मी दैट थिंग के लिए ना कभी करता हूं गाली बस फिर चलूंगा मैं कैसे होगा दो प्रतिशोध के बीच में जो भी सोचे मुझे उसके करीब हूं मैं लड़की हूं गरीब हूं किसी से दूर होकर समझ बैठा हूं तो अभी हूं मैं मेरे साथ वाले कमरे में और इस कमरे में पैर मेरे साथ है थोड़ा ज्यादा ज्यादा मैं सपने में अब आप सब तक उनका बर्दाश्त के कर बांटे बोले कदम मेरे हाथ में कभी कभी बोले शेर बिना चाहिए मेहमान सारे अपने ही घरों में इंसान सदा मोहताज की सांस के मेरे खुश करना रखे मेरे ससरत मुख्तलिफ लोग लेते मुख्तलिफ मतलब इन बातों का मैं वक्त कैसे निकाल के देखूं कि हैं ये नाराज से करते हैं नफरत खैर जो भी है उनका शुक्रिया जिस जिस ने भी लिखने को लग दिया वास्ता तक की चोट तक को खुश किया मेरे घर थोड़ा खुद को है कर दिया मैंने कर दिया इनके दिलों में खुद को जाती ओवर हेड टाइम्स मिली खबर तुमको मैं एक काले बिल खोजता जवाब का फिर सीख लेकिन भूल पाया नहीं खुद को खाना तो दोस्त बनो मुझे दोष नहीं तो मुझे जानते बसो मेरे दोस्त नहीं अगर मैं हदाई मखलूक तेरे मुताबिक तो मेरे आगे तुम्हें बाबू रोड नहीं तूफान तेरा भाई जब तेरे काम से ड्रिंक एंड ड्राइव तो मैं भूली नहीं जान जेब से जोड़ते जो मैं बोलते भाई तेरा कोई मैं नहीं रखते इनके नहीं कान मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल क्या ये लेते हैं मेरा नाज मैं रहूँगा जहाँ पर कहूँगा किया था लैब ना जो के साथ मैं साइडें नहीं लेता तुम मेरी ये सादत की वजह से हूँ ना नाराज इनकी नज़र में हूँ क्या कुछ नहीं मैं जो नहीं तो बस कलाकार अभी जा नहीं दिल खाली है तेरी जरूरत है नजरें बुला रही अभी जा नहीं जैसे होने से था कोई रूप नहीं जो सच भूल लेता था मेरे रूप नहीं इस दिन अमर नहीं रास्ते में टूटते अभी जा नहीं जिसके होने से दसाया कभी रूप नहीं जो सच ढूंढ लेता था मेरे रूप में इस दिन अमर नहीं रास्ते में टूटते अभी जा नहीं भाई रैप था सो बहुत नेक्स्ट लेवल का सॉन्ग था और ये जो रैप था एक्चुअली ये रैप जैसे उन्होंने क्या भाई क्या खाके लिखते हुए यार ये सारे लिरिक्स बंदे को ना सुन के ऐसे हमेशा से लगता है कि बहुत बंदे के अंदर जज्बात है गुस्सा है फ्रस्ट्रेशन है और वो जो रैप के इससे वो निकालता है ना भाई खुद के अंदर की भड़ास वो लोगों को इतनी पसंद आती है एक्चुअली हम लोग ऐसे जब भी मैं अतलाजू के गाने सुनती हूँ एक्चुअली जितने भी अभी तक मैंने उनके रैप सुने हैं तो हर रैप में ना बंदा बचपन से लेके उसकी जर्नी उसने जो फेस किया उसने जो सारी चीज़ें उसने देखी उसके लाइफ में उसके बचपन से लेके अभी तक सारी चीज़ें वो बंदा उसके रैप में हर बार बोलता है तो भाई बंदा भी ये लेवल पे है इतने लेवल पे है मिलियन में लोग उसको उसके जो सॉन्ग्स हैं उसको व्यूज आते हैं लोग उसको पसंद करते हैं लेकिन अभी भी वो उसके बचपन में जो सारी चीज़ें हुई उसने जो फेस किया उसका जो उसने जो सफ़र किया ना तो भाई वो बंदा अभी तक नहीं भुला है तो वो ये सारी चीज़ें रैप के जैसे हम लोग सुनते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम लोग हम गौर से सुनते हैं ना जैसे उसने अभी बोला भाई बंदे ने कि मेरे माँ ने मुझे सपोर्ट किया जब मेरे पे टाइम था तो मेरी मम्मी मेरे पापा बनी भाई बनी सब बनी एक्चुअली पूरा वर्ल्ड बनी मेरा मेरे लिए खड़ी रही जैसे उन्होंने कहा उसमें कि उन्होंने स्टैंड लिया है तो वो कुछ लाइंस थी जैसे उन्होंने उनकी फीलिंग्स शेयर की तो भाई मेरे को ये बनते कि मेरे ना दिन ब दिन बदस क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि क्या है ये बंदा क्या और जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा तलांजू का डिस करना देखा भाई बंदे का रैप देखा बंदे की सॉफ्ट कॉर्नर देखा सॉफ्ट साइड देखी रोमांटिक सॉन्ग देखा जैसे उन्होंने गाया वो बहुत उसके बारे में ऐसे जितना बताया जाए जितना बोला जाए कम है और इतना जैसे पहले तो ऐसे हार्ड वाला रैप एंड देन बहुत ऐसे सॉफ्ट वाला जो उन्होंने उसको तर्ज भी गाया है ना कि जाना तू जाने ही सब ये जो लाइन थी जैसे उन्होंने बोला कि रबते नहीं टूटते रिश्ते नहीं टूटते सो बहुत ऐसे एकदम प्यार से उन्होंने उसको ये किया है तो बहुत फीलिंग्स से भरा है ये गाना ऐसे मुझे लगता है ये जो रैप उन्होंने भी ये किया है और ये जो रैप मुझे बहुत पसंद आया होप सो आपको भी बहुत पसंद आया होगा और ये जो एक्चुअली तला अंजुम है
सो तला अंजुम को मैं पहले तो उनकी जो जर्नी थी उसके ऊपर मैं एक्चुअली चाहूंगी कि उनका जो उनकी जो बायोग्राफी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ. एक्चुअली रिएक्शन वीडियो नहीं बनाना चाहूंगी मैं, लेकिन सिर्फ कि बंदी के बारे में पूरे जानना चाहूंगी कि मैं कैसा है बंदा, क्या है, कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई पूरी. सो अभी तक तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स पे उनके रिएक्ट किया है, रैप पे रिएक्ट किया है, लेकिन दिन ब दिन क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है बंदी के प्रति, तो वो ज़रूर चाहूँगी. और तला अंजुम के जो फैंस हैं एक्चुअली वो भी बहुत डाई हार्ट है. सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रैप जो था, और उसके नीचे जो कमेंट्स है वो पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये जो प्यारा सा गाना है रैप का, ये जो रैप है इसको बहुत सारा प्यार दे, और अभी तक जितना उनको प्यार दिया है सब उठ के ऐसे ही आगे करते रहे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं फिर से हाजिर हूँ अच्छे से वीडियो के साथ. Bye.